जिन लोगों को ये लगता है कि टाइगर श्रॉफ को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती है, टाइगर सिर्फ एक ही डायलॉग बोल सकते हैं, अबे छोटी बच्ची हो क्या, उन सभी लोगों को वॉर मूवी का लास्ट वाला सीन जरूर देखना चाहिए। क्या साइको किलर वाली एक्टिंग कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ भाई, इतना टैलेंट है टाइगर श्रॉफ में, ये हॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर को भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन भाई गलती हुई कहां, जो लोग टाइगर श्रॉफ को इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने वाला एक्टर कहने लगे। टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में एंट्री की थी हीरोपंती से, हीरोपंती के रिलीज होते ही टाइगर श्रॉफ लोगों के दिलों पर राज करने लगे और अपनी पहले ही फिल्म से टाइगर श्रॉफ का नाम इतना ऊंचा उठ गया कि लोगों को सालों साल लग जाते हैं बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए। फिर इनकी फिल्म आई बागी और यहाँ भी उनके काम की वजह से लोग बहुत ज्यादा उनको पसंद करने लगे। लेकिन टाइगर श्रॉफ की फिर फिल्म आती है फ्लाइंग जट, उसमें टाइगर की व्यू फिजूल की ओवर एक्टिंग उनको ही ले डूबी। लेकिन बागी 2 से इन्होंने फिर से कमबैक किया, सभी को लगने लगा था कि टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्शन हीरो बनने वाले हैं और वॉर में देखकर लगा भी था कि टाइगर श्रॉफ बहुत बढ़िया करने वाले हैं। लेकिन हीरोपंती 2, बागी 3, सारी की सारी फिल्मों में नो एक्टिंग, बस एक्शन पेल पेल के उन्होंने अपनी इमेज की वाट लगा दी। लेकिन अब फिल्म आ रही है टाइगर श्रॉफ की गणपत, जो हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।